वेलकम बैक क्लास। आज के हमारे इस वीडियो में बेटा हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एज यू हैव ऑलरेडी बेसिक जो आपका है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा दिया था, दैट इज व्हेनेवर यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको जब कभी भी मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। स्टैंडर्ड 5 में हम लोगों ने यही किया था, उसी का रिवीजन अब स्टैंडर्ड 6 में आ रहा है। क्लियर? सो प्रैक्टिस सेट 12 में बेटा आपके टोटल 8 सम्स है, पहले हम 4 सम्स देखेंगे बाद में नेक्स्ट 4, सो सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन। आप लोगों को क्या करना है बेटा, यू हैव टू बाइफर्केट द पेज इन 3 पार्ट्स। आप 3 पार्ट्स में एक पेज को डिवाइड करोगे एंड 3 सम्स कैन बी सॉल्व ऑन 1 सिंगल पेज। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। सो लीव वन लाइन, देयरफॉर रूल है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1, द होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन लीव अ लाइन, व्हाट इज 7 1 जा 7 अपॉन 5 4 जा 20, करेक्ट? अब बेटा सोचो, अगर 7 और 20 किसी और टेबल में कॉमन निकल गया ना बेटा, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यस, बिकॉज मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में समझाया था दैट दे शुड बी कॉमन ओनली इन वन का टेबल, सिर्फ वन। सोचो आप 7 और 20 मैक्स के कौन से टेबल में कॉमन है, वन का टेबल जाने दो, एनी अदर टेबल अपार्ट फ्रॉम वन जिसमें 7 और 20 आंसर के रूप में साथ में आता हो, देन द आंसर इज नो, करेक्ट? हेंस द करेक्ट आंसर इज 7 अपॉन 20 और राइट आंसर को आप बॉक्स में डाल दो। क्लियर? सेकेंड सम बेटा लीव अ लाइन, रूल सेज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, करेक्ट? देन 6 टू जा 12, 7 फाइव जा 35। थिंक 12 और 35 कौन से टेबल में साथ में आते हैं, मैक्स में ऐसा कोई टेबल है जिसमें 12 और 35 साथ में टुगेदर आंसर के रूप में आते हो? द आंसर इज नो, किसी भी टेबल में नहीं, लीविंग वन, करेक्ट? सो आपका फाइनल आंसर है 12 अपॉन 35 एंड दिस विल बी इन अ बॉक्स। नेक्स्ट यू हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, 5 4 जा 20, 9 9 जा 81, करेक्ट? अब आप फिर सोचो 20 और 81 मैक्स के कौन से टेबल में साथ में आ सकते हैं, कोई भी टेबल आपको ऐसा लगता है जिसमें 20 और 81 साथ में आंसर के रूप में आता हो? Then the answer is no. नहीं सर, कोई भी टेबल में नहीं आता, करेक्ट? Then this is your final answer. And then last sum of the video is क्या है? और चार सम है बेटा, that is fourth sum. 4 multiply by 2, that is numerator multiply by numerator upon
डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, करेक्ट? देन बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 8, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 7 विल गिव यू 77. थिंक 8 और 77 मैक्स के कौन से टेबल में कॉमन है? आंसर में यानी एक ही टेबल में 8 भी आता है और उसी टेबल में 77 भी आता है, कोई भी टेबल नहीं, करेक्ट? सो नाउ बेटा अगेन दिस इज योर फाइनल आंसर. सो बाय दिस आपने 4 सम कंप्लीट कर लिए हैं, करेक्ट? 4-3 सम्स विल सॉल्व ऑन वन पेज, देन गो टू द नेक्स्ट पेज, सॉल्व अनदर 3 सम्स. अब बेटा इसमें एक बात समझने जैसी है, क्या होगा, आप लोगों ने देखा कि सर किसी में भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब ये डिवाइड होगा भी नहीं, ऐसा नहीं है. इन 4 सम्स में डिवाइड नहीं हुआ है, आने वाले 4 सम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो डोंट जस्ट कीप योर आईज ब्लाइंडली ओपन, क्या हुआ, नहीं, थिंक एंड देन आंसर. क्लियर?